दोस्तों किसी भी देश का मीडिया अगर अपना कर्तव्य धर्म ड्यूटी भूल जाए या कह सकते हैं कि रास्ता भटक जाए तो बड़ा खतरनाक साबित होता है। और बड़े बड़े जानकार लोग तो बताते हैं कि भटका हुआ मीडिया किसी भी देश के लिए घातक बन जाता है। और हमारा देश का मीडिया आपको भटका हुआ ही दिखाई देता होगा। कब से भटका हुआ है, किसने भटकाया है, कब तक भटकता रहेगा, ये बात तो अब दुनिया भी जानने और समझने लगी है। इसीलिए तो हमारे देश के मीडिया की बात अगर होती है दुनिया में तो मजाक बनती है, दुनिया मजाक उड़ाती है। लेकिन हमारे देश का मीडिया कहता है कि हमारा शो नंबर वन है, हमें देश में सबसे ज्यादा देखा जाता है, लोग हमें बेहद प्यार करते हैं। फिर मुझे बताइए कि आप दरअसल प्रेस इंडेक्स के मामले में रसातल में क्यों घुसते जा रहे हो? अगर आप इतने ही ज्यादा पॉपुलर हो, आपको इतने ही ज्यादा लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, आप लोकतंत्र की बात करते हो, देश की बात करते हो, तो फिर बताइए आपकी स्थिति डामाडोल क्यों है? प्रेस इंडेक्स में आप हर बार नीचे क्यों जाते हो? खैर बहुत सारी बात हो सकती है। रेडियो रवांडा का नाम आपने सुना होगा, अगर पढ़िएगा उसके बारे में तो आप कहीं ना कहीं कांप जाओगे कि मीडिया कितना डेंजर हो सकता है। चलिए बताता हूँ इस देश के मीडिया की एक और सच्चाई आपको। तो दिल्ली से इजराइल तेल अवीव की दूरी 4048 किलोमीटर बताई जाती है और यह जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है, आप सभी को पता है। अब दूसरी सच्चाई भी सुनिए, दिल्ली से जो मणिपुर इम्फाल की बात करें तो 2393 किलोमीटर के आसपास है। यहां जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमारे ही देश में है। लेकिन लेकिन 170 दिन हो चुके हैं, इस देश का मीडिया मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं करता है। और यही मीडिया अभी जब से फिलिस्तीन और इजराइल का मामला चल रहा है इजराइल जा पहुंचा है, वहां जाकर पत्रकारिता करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसराइल के बारे में बता रहा है कि देखिए कितना नुकसान हो गया है, देखिए हमास वाले आतंकवादी इस तरह के घटना को अंजाम दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर बच्चों की यह हालत हो गई, देखिए इतना आर्थिक नुकसान हो गया, देखिए अब तो जो है इसराइल को इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, अब इसराइल कहीं ना कहीं पंगा लेकर फिलिस्तीन को या कह सकते हैं हमास की लड़ाई को ख़त्म कर देगा। बहुत सारी अटरम सटरम बातें करते हुए इस देश का मीडिया इसराइल में आपको दिख जाएगा और वो भी पहने हुए कपड़े, जबकि वहाँ की जनता वैसे घूम रही है बिना कोई सेफ्टी के, लेकिन देश का मीडिया बता रहा है अरे बहुत भारी जंग चल रही है, उसमें ये लोग बड़ी सिक्योरिटी के साथ घूम रहे हैं। क्यों भाई इसराइल में जाकर क्यों तमाशा बन रहे हो? इस देश में जो ज़रूरत है पत्रकारिता की वो ना होते हुए आप दरअसल ड्रामा, आप दरअसल थ्रिलर पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं खैर मजाक बनती है। और इतिहास में लिखा जाएगा कि जब मणिपुर में इस तरह की घटनाएं हो रही थी, मणिपुर जिस तरह से हम हालात देख रहे हैं उसकी कवरेज ना करते हुए वहाँ जा रहे थे जहाँ पर कवरेज के लिए इन्हें कहीं ना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी, तमाम जानकारियाँ उनके पास आ ही रही थी, तमाम चीज़ें उन्हें दिखाई दे ही रही थी। खैर छोड़िए मीडिया की क्या बात करें, मीडिया भटका कब तक रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक की। तो एक मामला हुआ है जो कहीं ना कहीं ट्विटर पर भी चल रहा है, आप जाकर चेक कर सकते हो, और कई सारे लोगों ने इस मामले को उठाए भी। तो कहा जा रहा है कि अमेरिका की चर्चित यूनिवर्सिटी येल के यूरोपीय मामलों के एक विशेषज्ञ ओरेल बेनलिंसन ने लिखा है कि भूमंडलीकरण का एक मूर्खतापूर्ण स्वरूप सामने आया है कि इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जब कोई ट्वीट करते हैं तो कमेंट्स करने वालों में हिब्रू भाषा के कमेंटेटर उनसे इस्तीफा मांगते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू से लिखते हैं कि आप इस्तीफा दे दो, आप तो कहते थे कि हम बहुत सेफ है और आयरन डोम्स की सिक्योरिटी है, मिलिट्री लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किस तरह से हमास के जो लोग हैं उन्होंने हमला कर दिया, तमाम बातें जो है नेतन्याहू की धरी रह गई, तो उनसे इस्तीफा मांगते हुए कॉमेंट में लोग दिखते हैं हिब्रू में ही लिखते हुए, और उनके समर्थन में ज़्यादातर कॉमेंट हिंदी भाषा में आपको नज़र आते होंगे। आप अगर जाकर चेक करोगे
तो लिखा होगा आई सपोर्ट इसराइल, आई स्टैंड विद इसराइल, बहुत सारी बातें हो रही हैं। यह मजाक ही बन रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो अमेरिकी नेतृत्व में नाटो देशों का फौजी जुटान शुरू होने की खबरें आ रही है। इसराइल के नेतृत्व में इन देशों में सत्ता बदल का युद्ध छिड़ सकता है। ब्रिटिश और हॉलैंड के फौजी ठिकानों पर भी गंभीर हलचल की खबरें हैं। जी हाँ, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत भयानक वाला मामला होगा, कभी भी जब भी होगा। और ये भी दावा किया जा रहा है, इजरायली सेना ने दावा किया है कि लेबनान से एक मिसाइल इजरायली सेना की एक पोस्ट पर दागी गई है। यानी कि इजरायल जो आरोप लगाया रहा है कि इसमें लेबनान भी शामिल होगा। IDF यानी कि इजरायल डिफेंस फोर्स ने बताया कि एंटी टैंक मिसाइल अरब अल अरमाश के नज़दीक गिरी। ये पहला मौका नहीं है जब हाल के दिनों में लेबनान की सीमा पर तनाव की स्थिति बनी है। चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला ने हमास के हमले के बाद इसराइल पर कई रॉकेट दागे थे, आप सभी को पता है। यह माना जाता है कि हिजबुल्ला को ईरान का समर्थन प्राप्त है, जबकि इसराइल और पश्चिमी देशों ने उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसराइल की सेना ने बताया है कि शनिवार को हुए हमले में अब तक 1200 लोगों की मौत हुई है और 2700 से ज्यादा लोग घायल है। वहीं हमले में गाजा में अब तक 950 लोगों की मौत होने की खबरें हैं, यानी कि इससे ज़्यादा ही है, यह संख्या हज़ारों में पहुंचेगी आने वाले वक्त में। फिलिस्तीन और इसराइल मामले में दुनिया वैसे दो खेमों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बड़े बड़े जानकार लोग बता रहे हैं कि इसराइल की तरफ अमेरिका तो कह ही रहा है कि हमने हथियार भेज दिए हैं इसराइल को और बहुत सारी चीज़ें हम भेज रहे हैं, तो इसराइल की तरफ बहुत सारे देश खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जर्मनी, फ्रांस, भारत ने भी सपोर्ट किया। मोदी जी ने कहा कि हम इसराइल के साथ हैं, इटली और भी कई सारे। तो फिलिस्तीन के साथ भी कुछ देश खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, भले वो गुपचुप तरीके से दिखाई दे रहे हैं, जिसमें रूस कहीं ना कहीं शामिल है। और रूस के पुतिन साहब ने तो ये कह दिया है कि ये अमेरिका की चाल है, अमेरिका ये सब कुछ करवा रहा है, बहुत सारी बातें कही है। उसमें चीन भी कहीं ना कहीं नाम शामिल बताया जा रहा है, और जो मुस्लिम कंट्रीज़ है उसमें भी कई सारे देशों का समर्थन कहीं ना कहीं फिलिस्तीन को मिलता हुआ बताया जाता है। यानी कि ऐसा संकेत लग रहे हैं, ये फिक्स नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है। युद्ध तीसरा छिड़े, चौथा छिड़े, कोई सा भी छिड़े, नुकसान पब्लिक का ही होना है, आम जनता का ही होना है। कई सारी ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, इसराइल से भी आ रही है, फिलिस्तीन से भी आ रही है, जहाँ पर छोटे मोटे बच्चे मतलब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है, उनकी हालत देखिए, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। लेकिन भयानक तस्वीरें हैं, अभी भी हमले जारी है, कितने लोगों की जान जाएगी दोनों तरफ से कह नहीं सकते, लेकिन शांति वार्ता होनी चाहिए, दोनों के बीच में रुकना चाहिए मामला, और क्योंकि इससे आम जन जो है वो पिस रहा है, ख़तरनाक स्थितियां पैदा हो रही है। और दुनिया अगर खेमों में बटी और युद्ध छिड़ा तो फिर मानव जाति कहीं ना कहीं तहस नहस हो जाएगी। इतनी तहस नहस पूछिएगा मत, और युद्ध क्या क्या चीज़ें लेकर आता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।